सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अभी के समय में लीची के फटने की समस्या बहुत होती है, खासकर जो कि अर्ली पकने वाला वैरायटी है, जल्दी पकने वाला वैरायटी है, शाही हुआ, देसी हुआ, उसमें लीची में फल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप बगीचे में और पेड़ के छत्रक में नमी बनाए रखें। उस नमी बनाए रखने से जो ऊपर के छिलके होते हैं उसकी इलास्टिसिटी बनी रहती है, और जब पानी के माध्यम से ज़्यादा गूदे का भराव शुरू होता है तो उसके साथ ही छिलके का भी फैलाव होता है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो इतनी तेज़ धूप के कारण लीची के छिलके कड़े हो जाते हैं और इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। जब वो फल बढ़ने लगता है तो उसके अनुसार, उसके अनुपात में वो छिलके की वृद्धि नहीं हो पाती है, वस्तुतः फल फट जाता है। मैं दिखाऊं कि इसमें से हमारे कुछ फल हैं जो कि फटने की अवस्था में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें फल फटने की, पहले तो क्या होता है, जब भी सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है तो ये ब्राउन पैच बनना शुरू होता है सूरज की रोशनी की वजह से, और उसके बाद से अगर आप नमी बरकरार नहीं रखेंगे तो इस तरह से फल फटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप देख रहे हैं कि कुछ फल में हमारे रंग भी बनने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी रंग आने शुरू हुए हैं, और अब जो है उसके ऊपर पकने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें गूदे का भराव शुरू होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जो है बगीचे में नियमित रूप से सिंचाई करें, और इसके छत्रप में भी आप छिड़काव कर सकते हैं तो अवश्य करें, ताकि उसमें जो है फल फटने की समस्या कम हो सके।